आज हम बात करेंगे बेर फुट शूज एंड हु नीड्स टू बेर फुट शूज माई ने सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू द चैनल सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल स्पोर्ट शूज जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं जो कि है

टच करते हैं फ्लोर पे पहले स्ट्राइक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके नीज में पेन हो सकता है इवेंचुअली जब आप ऐसे करते रहोगे सो so, हमारा जो नेचुरल और राइट रनिंग फॉर्म है वो है बाय स्ट्राइकिंग योर फ्रंट फुट फर्स्ट आपका जो ये वाला पार्ट है पैर का वो आपका पहले स्ट्राइक होगा दैट इज़ द करेक्ट रनिंग फॉर्म आप देख सकते हो जो अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं उनको आप देख सकते हो कि जब हमेशा रन करते हैं तो फिर फ्रंट फुट ही स्ट्राइक होता है बट क्या होता है कि जो कन्वेंशनल शू है हमारे उसमें यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या होता है कि जब हम हील स्ट्राइक करते हैं हमें पता नहीं चलता क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सो दिस सपोर्ट्स द बैड रनिंग फॉर्म सो दैट्स वाई टॉकिंग अबाउट द बेर फुट शूज़ इसमें क्या होता है कि इसमें जीरो ड्रॉप होता है जीरो ड्रॉप का मतलब होता है कि फ्रॉम टो टू हील जो थिकनेस ऑफ द सोल है वो सेम रहती है अगर इस पर्टिकुलर शू की बात करें ये है वीवो बेयर फुट का शूज़ और इसका जो आउट सोल है इसका सिर्फ फोर एम एम थिक है सिर्फ एक तो बहुत ही ज़्यादा पतला है ये और ये पतला है और इट इज़ लाइक वेरी क्लोज़ टू बींग बेरफुट नॉट लाइक दिस वन इसमें क्या है यहाँ पे कम है ज़्यादा ज़्यादा होते हुए यहाँ पे मैक्सिमम है हील पे और एक और बहुत ही ज्यादा कॉमन शू है जो कि मैंने लोगों को देखा है वर्कआउट करते हुए लोगों को देखा है कैजुअल पहनते हुए वो है कन्वर्स सो so इसमें क्या है इसमें दिस इज गुड फॉर वर्किंग आउट दिस आई ऑल्सो यूज टू वेयर दिस वाइल वर्किंग आउट बट इसमें प्रॉब्लम क्या है और क्या होती थी मुझे पर्सनली जो इसका टो एरिया है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तो यू विल सी की जो यहाँ पे आप टोज आप अंदर डालते हो तो टोज ये बिल्कुल ही स्क्वीज कर देता है बिल्कुल सप्रेस कर देता है ऐसे टोज को इससे क्या होता है जब आप कोई वर्कआउट करते हो तो फिर आपका आप बैलेंस्ड फील नहीं करते और आपके टोज भी हर्ट करते हैं टोज तो क्या होता है अगर बेयर फुट शूज में आप देखोगे कि इसमें जो आपका जो टो तो का शेप है ये है आपका फुट शेप नॉट अ कन्वेंशनल शूज शेप सो ये फुट शेप है ये देखोगे दिस फॉर बिग टो तो, दिस फॉर पिंकी टो तो, तो क्या होता है यहाँ पे एंड ऑल्सो यू अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर द टो सो ये टोज कैन एक्चुअली स्प्रेड एंड जब आपके टो स्प्रेड होंगे तो यून फील मोर बैलेंस सो so इस बात करते हैं शू के कंस्ट्रक्शन की तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अपर वाले पार्ट की जो इसका अपर वाला पार्ट है मुझे काफी ज्यादा ब्रीदेबल लग रहा है जो इसका अपर का फ्रंट पार्ट है यहाँ पे आप देखो कि काफी ज्यादा मैश है तो काफी ब्रीदेबल है यहाँ से और साइड में भी इसका यहाँ पे मैश दिया गया और इसके उसी के साथ हमें वीवो की ब्रांडिंग दी गई है और पीछे भी इसका मैश है यहाँ पे और यहाँ पे भी मैश दिया गया है एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है इस शो में कि जो ये वाला पार्ट है वो काफी हार्ड दे रखा है ये वाला पार्ट यहां पे मैश है बट दिस इज ऑल हार्ड सो आपके टो को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे हार्डनेस दे रखी है आई थिंक सो दिस इज गुड अबाउट इट जो इसका इंसोल है वो रिमूवेबल है तो अगर मैं इसका इंसोल निकालता हूं सो so, इसमें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा रिसाइकल्ड अराउंड वन एम एम थिक है ये सोल इंसोल मैं जब इसको यूज कर रहा था मैं इसको इंसोल निकाल के कर रहा था बिकॉज आई एम यूज टू वेरिंग बेर फुट शूज़ मैं आपको दिखाऊंगा इससे पहले मैं कौन से बेरफुट शूज यूज़ कर रहा था तो इनसोल्ड में अगर निकाल देता हूँ तो जो उसकी थिकनेस है आउटशोल uh, की वो सिर्फ फोर एम mm एम की है सो फोर एम एम थिक है तो आप काफ़ी ज्यादा क्लोज फील करते हो बींग बेर फुट जब भी आप बेर फुट होते हो तो आपको पता है कि जो कंफर्ट होता है बींग बेरफुट हो कभी भी शूज़ में नहीं होता है बट अगर आप इस टाइप का कुछ शूज़ पहनते हो बेर फुट शूज़ तो यू विल फील द सेम काइंड ऑफ कम्फर्ट बींग बेयर फुट इन शूज ऑल्सो सो वो एक चीज़ है वाई आई एम मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बेर फुट शूज तो so, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था जो कन्वेंशनल शू होता है उसका जो टो बॉक्स होता है वो पॉइंटी होता है जैसे आप कन्वर्जिज का दे सकते हो यहाँ पे देखिए पॉइंटी है यहाँ पे और जो बेयर फुट शूज होते हैं उसका जो टो बॉक्स होता है इट इज मोर लाइक फुट शेप सो आप देखोगे फुट शेप का है सो दिस इज फॉर बिग टो यहां पे जाते हैं पिंकी टो तो फिर इसका है टो शेप्ड है यू कैन सी फ्रॉम दी बॉटम ऑल्सो टो शेप्ड सो आउटसोल सिर्फ फोर एम एम थिक है उसके बाद भी आप जब इसको पहनते हो आप एक तो बेरफुट फील करते हो ऑलमोस्ट और ग्राउंड uh, में काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी फील होता है जो इसका आउटसोल का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दे सो so, अगर आप फर्स्ट टाइम बेरफुट शूज़ ट्राई कर रहे हो सो यू विल टेक सम टाइम टू गेट यूज टू द शूज़ क्योंकि आपने पूरी लाइफ में कुशन वाले शूज़ पहने हैं सो यू आर यूज टू बींग इन दो शूज़ सो क्या होता है कि अगर आप इन इन वाले शूज में आप स्विच uh, कर रहे हो सो इट्स बेस्ट टू पहले आप जो इसका इनसोल है उसको लगा के रहो इंसॉल से आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन मिल जाएगा जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद आप इंस्टॉल को हटा सकते हो और उसके बाद और ज्यादा बेरफुट वाली फील आप ले सकते हो बिना इंसॉल के इन शूज़ को पहन के मैं वर्कआउट भी करता हूँ आई हैव ऑल्सो डन लाइक ओलंपिक मूवमेंट्स लाइक क्लीन्स स्नैचेज ऑल्सो डन क्रॉसफिट वर्कआउट विद द शूज तो शूज काफ़ी ज्यादा वर्सिटाइल है इवन गोइंग फॉर लाइक कैजुअल आउटिंग्स आल्सो आई कैन यूज द शूज सो दिस इज वन शू फॉर एवरीथिंग सो लाइक मतलब मैं बिलीव करता हूँ ये आर इंस्टेड ऑफ हैविंग लाइक टेन पेयर उससे अच्छा है कि एक या दो आपके पास पैर हो बट ऐसे पैर हो कि जिसको आप कहीं पहन के जा सकते हो सो टॉकिंग नाउ अबाउट दिस साइजिंग सो दिस इज साइजिंग चेक ट्यूटोरियल गिवन ऑन देयर साइट जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा उससे मैंने प्रॉपर चेक किया था उनका पूरा ट्यूटोरियल था कि कैसे आपको अपना ए फोर शीट पर रखना है अपना पैर उसका फोटो उनको भेजना है उसके बाद वहां पे अपलोड करनी है फोटो तो अपलोड करने के बाद जो उन्होंने साइज में रिकमेंड किया वो किया यू के एट और वैसे जो जो भी मैं नॉर्मल शूज यूज़ करता हूँ उसमें यू के नाइन या फिर यू के एट पॉइंट फाइव अगर अवेलेबल है तो एट पॉइंट फाइव यूज़ करता हूँ बट उनके अकॉर्डिंगली मेरा मेरे लिए रिकमेंडेशन था यूके एट तो वो मुझे परफेक्ट फिट हुआ ये यूके एट है और मुझे परफेक्ट फिट आ रहा है तो so प्राइस की बात करें तो जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो फिर ये था वन वन फाइव पाउंड्स का और इसको पे डिस्काउंट लगाने के बाद मुझे मिला था ये 97.75 पाउंड्स का जो कि अप्रोक्सीमेटली आई एन में है दस हज़ार रुपये सो so, दस हज़ार के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये शूज़ तो ये एक इसका डाउन साइड है कि शूज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस हिसाब से सो so, अगर आप बेयरफुट में अभी स्विच कर रहे हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव में ना जाके आप थोड़ा चीपर वर्जन पर भी जा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये वाला शूज़ है ये है वाइटन का बेयरफुट शूज़ है आप देख सकते हो इसकी हालत इसका सोल उसका रीज़न ये है कि दो साल मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूज़ किया है फ़ॉर माई वर्कआउट्स फॉर गोइंग टू ऑफिस फॉर रनिंग फॉर वॉकिंग एवरी थिंग काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूज़ किया है उसके बाद भी इसकी हालत बेकार नहीं है ठीक ठाक है सो so, ये वाला शो मुझे पड़ा था अराउंड थर्टी एट पॉइंट फाइव डॉलर्स का और लगभग का तीन हज़ार आई एन आर सिर्फ तीन हज़ार का ये है शूज़ आपसे तो दिस इज़ क्वाइट चीप कम्पेयर टू द वीवो बेर फुट बट अगर आप देखोगे दोनों में तो फिर ऑब्वियसली यार विवो बेयर फुट इज़ मोर वर्सिटाइल आप इसको भारी पहन के आ सकते हो तो दिस इज़ लुकिंग मोर कूल सो दिस इज ऑल्सो गुड दिस विल गिव यू गुड बेर फुट एक्सपीरियंस एज वेल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट मैंने देखा था ऑनलाइन एक जगह रखा हुआ था सोफ़ा और एक जगह रखा हुआ था कुशन शूज सो क्या सो उसमें लिखा हुआ था कि दिस दिस सोफ़ा लुक्स कंफर्टेबल फॉर यू टू सिट

और आप अगर आप आग इन क्वेश्चन शूज़ में रहते हो तो उसमें आपको कुछ ट्रेन नहीं हो रहा है आप निगलेक्ट कर रहे हो अपने फुट के मसल्स को यू आर जस्ट लिविंग देम अनट्रेंड बिक दैट सेट से नाउ मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में टिल देन टेक केयर गुड बाय इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू गिव इट थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड एज आई ऑलवेज से स्ट्रॉग माइंड स्ट्रॉग बॉडी गुड बाय